वेलकम टू डेलिश फूड। तो आज मैं आपके लिए सोयाबीन के कबाब बनाने जा रही हूँ, जिसको आप सीख कबाब भी बोल सकते हैं और सोया कबाब भी। ओके, तो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड विद इट। एंड सबसे पहले हम ये लेंगे, ये मैंने टू पैकेट्स लिए हुए हैं, 10-10 रुपीज के पैकेट्स आए थे सोयाबीन के, और ये पूरा बिग बॉल है। ओके, ये 4 मेंबर्स के हिसाब से लगभग इससे हमारे 8 या 9 सोया कबाब बन जाएंगे। और ये कॉर्नफ्लोर, ओके, हाफ बाउल एंड हाफ बाउल सूजी एंड हाफ बाउल बेसन। एंड स्पाइसेस के लिए ये वाला कश्मीरी मिर्च है जो केवल फ्लेवर कलर देती है, टर्मरिक पाउडर, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड धनिया पाउडर एंड 1 लेमन, सम कोरिएंडर लीव्स, जिंजर, ग्रीन चिली एंड 2 अनियन एंड व्हाइट सॉल्ट। ओके, तो मेरी फर्स्ट स्टेप है कि ये जो क्रंच है, सोया क्रंच, इसको मुझे वाटर में, मतलब बॉइल वाटर में एकदम से इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, ओनली 10 मिनट्स। ओके, तो मैं देखिए लाती हूँ। देखिए ये मैंने क्रंच डाले और ये बॉइल वाटर, बिल्कुल गर्म पानी, अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है। अब हम इसको लगभग 10-15 मिनट्स के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। तो ये क्या है, ये पूरा वाटर से एब्जॉर्ब कर लेगा और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमें इसे ग्राइंडर में इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के, कह सकते हैं बिल्कुल रिमूव करके, इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो मैं भी 10-15 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ेंगे। जब तक हमारे सोया क्रंच एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब वाटर में मैंने उनको भिगोकर छोड़ दिया है, तब तक हम इसका पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा बिग साइज के 2 अनियन है, ओके, एंड ग्रीन चिली, इन सबको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, एंड जिंजर, ओके। चलिए, ओके, मैं इसको ग्राइंड करती हूँ मिक्सर में। देखिए, जब मैंने अच्छे से इसको बिल्कुल 2 अनियन एंड ग्रीन चिली जिंजर को पूरा पेस्ट बना लिया, ओके। अब देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये जो मेरे चलते, देखिए पूरा पानी इन्होंने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम एक चलनी लेते हैं, उसमें इसको छान लेते हैं। इस तरीके की चलनी हो आपके पास, और मैंने दूसरा बोल लिया है, इस तरीके से हम इसको इसमें छान लेते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी, इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, ओके। अब जितना आप अच्छे से इसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, मतलब कि इससे हमें वाटर रिमूव करना है। जब ये अच्छे से वाटर रिमूव हो जाएगा, फिर हम इसको भी मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। आप इसके लिए हैंड भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से जितना आप अच्छे से कर सकते हैं, इस तरीके से इसे करके मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी। देखिए, जब मैंने अपनी सोया क्रंच को बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया था और इसको ग्राइंड किया, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ड्राई होना चाहिए। हम इसी बिग बॉल में, जिसमें हमने अनियन और उसका जिंजर का पेस्ट लिया था, उसमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब अगेन, क्योंकि ये मेरा छोटा ग्राइंडर है, सेम मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये निचोड़ के ही करना है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो वाटर हो जाएगा, फिर हमें उसे कबाब बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको सेम यही कंसेप्ट करना है कि अच्छे से इसका बिल्कुल पानी निकालकर इसमें डालना है। मैं अपने सभी क्रंच को इसी तरीके से अगेन ग्राइंड कर रही हूँ। इसी तरीके से मैंने ये सेकेंड इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो पूरा इसमें। अब मिक्सिंग करना है हमको मसाला, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून अमचूर पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड ये कश्मीरी लाल मिर्च जो इसमें कलर देगी, ओके, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इसको हमें बाइंड करना है, तो कुछ बाइंडिंग एजेंट ही होना चाहिए, तो इसमें इसीलिए मैं बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर, सूजी
चाहे तो केवल बेसन से भी कर सकते हैं, चाहे तो केवल कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं तीनों ले रही हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लोर थोड़ा हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं रहता, तो मैं तीनों का ग्राइंडिंग बाइंडिंग एजेंट्स की तरह यूज करूंगी। ओके, अब मुझे अपने हैंड्स यूज करने पड़ेंगे, तो हैंड्स और एक बॉल में मैं वाटर भी ले लेती हूँ। देखिए, अब ये पूरा मैंने मिक्सचर बना लिया है, इसको मैं पहले स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको। और एक्चुअली अगर ये आपको लगता है कि थोड़ा सा ये आपको लग रहा है कि हल्का सा आपको नीड है और बेसन या कॉर्नफ्लोर ऐड करने की, तो आप ऐड कर सकते हैं। वो एक्चुअली जब हम इसको बनाएंगे ना तो पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमको नीड हो सकती है। तो पहले तो मैं आपको इसलिए मिक्स करके दिखा रही हूँ कि ये अच्छे से पूरा एक बार ऐसे मैश कर लीजिए। फिर अब मैं इसको हैंड यूज करूंगी, तो देखिए जैसे हम टिक्की बनाते हैं सपोज, तो मैं आइडिया हो जाता है कि अच्छे से पूरा हो पा रहा है मोल्ड, मतलब मेरा ये परफेक्ट है। बट अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें नीड है तो आप इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का है इंस्ट्रूमेंट टाइप, क्योंकि हमें इस पे सी कबाब वाला शेप देना है, वरना पेंसिल आप सब लोगों के घर पर होती है तो आप पेंसिल की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर ये वाले आइसक्रीम स्पून होते हैं, दोनों ही पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपका जैसा मन है। वरना अगर आपसे ये भी नहीं हो पाया तो आप टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, मैं आपको सभी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिया और इसको इस तरीके से सपोज इतना हैंड में ले लिया और हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको बाइंड करने लगे। बस ये एक्चुअली शेप देने के लिए है, जिससे कि अच्छी सी एक शेप आ जाए, बिल्कुल कबाब जैसी, दैट इज। इस तरीके से हम थोड़ा सा वाटर हाथ में ले सकते हैं इसकी शेप को डिमोल्ड करने के लिए। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड हमें लगाने पड़ेंगे इसमें, इस तरीके से। देखिए यूज, अब हम इसको बहुत पोलाइटली इस तरीके से ही निकाल देंगे। ये हो गई ना शेप रेडी। आप इस पे किसी भी तरीके से इस तरीके से इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, वन पीस। अब ऐसे ही ये स्पून है, सेम अगेन मैं इसको अपने हैंड में इस तरीके से इस पेस्ट को लगाऊंगी और ये स्पून को, तो ये इसको भी एक वो मिल जाएगा सपोर्ट तरीके से। हम इसको चारों तरफ से अच्छे से एक शेप दे देंगे। इसमें थोड़ा टाइम टेकन है बट अच्छा लगता है वाला शेप, इस तरीके से। चाहे तो आप इसके साथ भी डीप फ्राई कर सकते हैं, वरना इसको बहुत आराम से निकाल लीजिए और ये शेप होगी। अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो एटलीस्ट जो कटलेट वाला शेप है वो सब तो आप लोगों को इजीली करना आता ही है, इस तरीके से भी ले सकते हैं उसको राउंड शेप में भी, ये आपके चॉइस है। मैं अपने सब कबाब रेडी कर लेती हूँ इसी तरीके से। तरीके से मैंने अपने सभी कबाब को रेडी कर लिया है। चाहे आप स्पून ले लें आइसक्रीम स्पून, चाहे वो स्टिक्स पे, चाहे पेंसिल, किसी भी तरीके से आप उसको रेडी कर लीजिए। आप इसको पतला मोटा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मुझे ये शेप अच्छी लगती है इसीलिए मैंने ये रेडी कर लिए है। अब हम अपना एक इसका ऑप्शन है कि आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, आप डीप फ्राई कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस, बट मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। ओके, देखिए मैंने नॉन स्टिक पे मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया। मैं इसको फ्लेम को बिल्कुल लो रख रही हूँ और ये जो मैंने कबाब रेडी किए थे इसको मैं इस तरीके से आपको पहले भी बताया, आप इसकी शेप को पतला मोटा या आपके ऊपर डिपेंड है, इस तरीके से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें ये और थोड़ी थोड़ी देर में हमें इनकी साइड भी चेंज करनी है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इस तरीके से चारों तरफ हम इसका ऑयल करते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसकी साइड को भी चेंज करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं इसकी हमें साइड चेंज करनी है, इस तरीके से
देखिए कितने अच्छे सिक रहे हैं, क्रिस्पी रहते हैं बिल्कुल। हमें एक्चुअली मीडियम फ्लेम ही यूज करनी है क्योंकि ये अच्छे अच्छे से लाइट ब्राउन कलर से सिक रहे हैं। इस तरीके से हम अपनी सब साइड्स को चेंज करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, जिससे कि ये जले भी नहीं और हमारा क्रिस्पी हो जाए इस तरीके। देखिए अभी मेरे सभी जितने भी ये कबाब थे अच्छे से चारों तरफ से पूरे साइड से क्रंच हो चुके हैं। आपको जहां लगता है आप उसी अकॉर्डिंग उसको और थोड़ा सा सेक सकते हैं, बार बार इसकी साइड चेंज करके देख सकते हैं। चारों साइड से इस तरीके से इसको बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है। ओके, और ये बिल्कुल गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं। आप इसके साथ सूप सर्व कर सकते हैं, आप इसको ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप, जैसा आपका टेस्ट है आप इसको उसके साथ सर्व कर सकते हैं। नाउ आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व और बिल्कुल क्रंची क्रंची हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉट रेडी टू सर्व, वाओ, ये मैंने अपना फ्लैटर्स में लगा दिए। नाउ इट्स रेडी टू सर्व और आप इस टाइम जब इसको सर्व करेंगे इस पे लेमन इस तरीके से एक एक उस पर स्क्वीज कर दीजिए। कोरिएंडर लीव्स, कहीं कहीं भी कोरिएंडर लीव्स को आप यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से कहीं भी रैंडमली कुछ भी आपने उसको यूज किया। और अनियन आपको पसंद है तो आप अनियन के लच्छे भी लगा सकते हैं इस तरीके से, कहीं कहीं कुछ भी इस तरीके से। ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप, तरीके से आप पूरा इसको ओके। लग रहा है ना यमी, आपका भी मन कर रहा होगा ना? यस, तो यू कैन ट्राई। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने घर पर ये सोया क्रंच के कबाब जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।